नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सबका स्वागत करता हूँ। और यह हमारी एमपी जीके की सीरीज चल रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सारे हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और आपको आने वाले एग्जाम में उसको आपको देखने के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन को उन्हीं को घुमा के पूछ लिया जाता है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आईआईटी खड़गपुर ने हाल ही में 10 लिए 2017 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे बात की जाए तो मध्य प्रदेश में एक समझौता हुआ था जो हैप्पी इंडेक्स है उस पर, और जिसमें जो है वो आईआईटी खड़गपुर के शामिल हुआ था, तो उसी से रिलेटेड है। तो अभी तो हाल फिलहाल तो ये नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता हुआ था। किस पे हुआ था? आईआईटी खड़गपुर के साथ, जो हैप्पी इंडेक्स के साथ। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर महल जो है वो ओरछा में स्थित है, ओरछा पड़ता है अपने टीकमगढ़ में। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, जहांगीर महल। और बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज मंदिर भी है, तो ये भी आप याद रखना। और ओरछा जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोस्त मोहम्मद खान थे, तो दोस्त मोहद्दन खान थे, एक तरीके से अफगान थे, तो ये इनका नाम है आप तो याद रखना, दोस्त मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, चंदू सरवटे निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो चंदू सरवटे जो है वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में मध्य प्रदेश ने विश्व हैंड वॉशिंग दिवस पर एक साथ हाथ धोने वाले सर्वाधिक लोगों का रिकॉर्ड बनाया था? तो ये दरअसल 2014 की बात है, तो जब विश्व हैंड वॉशिंग दिवस पर एक साथ धोने वाला सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाया था। तो विश्व हैंड वॉशिंग डे जो बनाया जाता है, दरअसल बनाया था 15 अक्टूबर को, तो ये भी आप याद रखिएगा, 15 अक्टूबर को जो है अभी 2019 में ये बनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डॉक्टर एम एन बुच ने नेशनल सेंटर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनवायरनमेंट नामित एनजीओ की स्थापना की थी? तो ये दरअसल भोपाल में की गई थी, किसके द्वारा? डॉक्टर एम एन बुच द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस गांव में तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है? तो ये दरअसल भामाबड़ गांव में जो है वो तेजाजी का मेला जो है आयोजित किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पे पड़ता है, अगर आपको भामाबड़ एक तरीके से एक गाँव है, तो ये किस क्षेत्र में पड़ता है? तो ये दरअसल गुना में, तो गुना भी गुना जो है वो आपसे गुना भी पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, भामाबड़, जो कि गुना का एक गांव है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल पचमढ़ी में पाया जाता है? तो पचमढ़ी में बात की जाए तो पांडव की गुफाएं हुई और रजत प्रपात हुआ, तो ये दोनों ही जो है पचमढ़ी में पाया जाता है, और पचमढ़ी को जो है वो मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन से संगठन ने मध्य प्रदेश सिटीजन एक्सेस टू रिस्पाइसिव सर्विस के लिए भारत के साथ 35 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये 2017 का है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ 2017 का, इसमें जो भी करंट अफेयर्स रहेंगे तो 2017 के रहेंगे, तो उस समय जो है वो वर्ल्ड बैंक से जो है ये समझौता हुआ था। तो अभी तो ये अभी 2019 में जो एग्जाम होंगे तो उसमें तो ये नहीं पूछा जाएगा, तो इसीलिए आप इसको छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अश्वगंधा और बेल, ये दोनों ही जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ये दोनों ही जो है वो औषधि हैं एक तरीके से, तो ये दोनों मध्य प्रदेश में पाए जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सयाजी द्वार कहाँ स्थित है? सयाजी द्वार जो है वो देवास में स्थित है। ओके, और देवास में बात की जाए तो जो नोट प्रिंटिंग प्रेस है, तो ये देवास में भी है, तो ये भी आप याद रखिएगा, हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1528 ईस्वी में हुन को किसने हराया? तो हुन ने जो है
उनको जो है वो यश धर्मन ने हराया, यशो धर्मन ने हराया। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमार राजा भोजदेव ने अपनी राजधानी उज्जैन से किस स्थान पर स्थानांतरण की। तो परमार के राजा हुआ करते थे भोजदेव, तो जो उज्जैन से उन्होंने जो है वो धार जो है ये स्थानांतरण कर ली थी उज्जैन से। बाकी हम उज्जैन के बारे में बता चुका हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि छिपरा नदी के किनारे है और यहाँ पर जो है वो कुंभ का मेला लगता है और इसे महाकाल की नगरी भी बोला जाता है। और धार की बात करें तो ये जो उज्जैन से स्थानांतर कर ली थी धार, किसके द्वारा? राजा भोजदेव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो बात की जाए भाभरा में हुआ था, और भाभरा में कब हुआ था ये, 23 जुलाई 1906 को। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो 23 जुलाई 1906 को जो है वो भाभरा में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। और जो आज़ाद जो है इन्होंने अपने आप को खुद को नाम दिया था, किसी ने रखा नहीं थे गया तो इसे आज़ाद बोला जाते थे, तो इन्होंने खुद को नाम दिया था आज़ाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदिवासी समूह भील को ऐतिहासिक रूप से क्या माना जाता है। तो ये दरअसल योद्धा माने जाते हैं। तो आदिवासी जो भील जनजाति है एक तरीके से, जो भील ऐतिहासिक रूप है, तो इनको योद्धा माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में देखो, भारत ये 2017 की बात की जाए, या आप देख सकते हो यहाँ पर अभी 2019 की अगर हम बात करें तो रैंकिंग की बात की जाए स्वच्छता में, तो मैंने बताया हुआ है कि क्लीनर सिटी जो है वो इंदौर ही है। भारत की सबसे क्लीनर सिटी जो है वो इंदौर है 2019 में। और सबसे स्वच्छ जो कैपिटल है वो कौन सी है? भोपाल। तो ये आप याद रखिएगा दोनों, तो उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन उस टाइम का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नगर निगम बनने के लिए शहरी क्षेत्र अपेक्षित न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है। तो नगर जो निगम आती है किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ की जो न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए वो करीबन होनी चाहिए 10 लाख। अगर वहाँ पे 10 लाख जो जनसंख्या है तो वहाँ पर जो है नगर निगम वहाँ पर नगर निगम बन जाता है या लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या लगभग है। तो करीबन 7.3 करोड़ जो है वो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में बात की जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो इंदौर में है, तो ये आप याद रखिएगा इंदौर में। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है, तो साक्षरता की बात की जाए तो जबलपुर है, और ये जबलपुर आपको याद रखना है। तो कुछ जब वैसे मैं मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है 2011 का सेंसेक्स है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने क्वेश्चन कवर किए हूँ और हर जो क्षेत्र में कहाँ पर कम है कहाँ पर ज़्यादा घनत्व है तो वो सब मैंने वहाँ पे कवर किया है, आप वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जनसंख्या के मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को श्री जयंत मलैया ने विधायी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक राज्य बजट पेश किया था। तो उस समय जो है मार्च में किया था। तो ये दरअसल जो है वो पहले जो बजट पेश करते थे तो उस समय मार्च में किया था, लेकिन अब जो है वो चेंज हो गई है। तो जो जनवरी से लेकर ना दिसंबर तक जो है स्टार्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर जिसे बोला जाता है, जो भी बजट होता है, तो अब क्या जनवरी को फेस किया जाता है। तो पहले जो है वो मार्च में किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, अहमद शेर खान किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो अहमद शेर खान जो है वो हॉकी से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सरपीली कौन से ज़िले में स्थित है। तो सरपीली की बात की जाए सॉरी परशीली, तो ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो परशीली जो है वो सीधी में है, ओके तो सीधी में। और इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया था कि जो परशीली है वो किस नदी के पर स्थित है या किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये दरअसल बनास, तो बनास नदी है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था। तो आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है, तो परशीली जो है वो सिधी में है और बनास नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो ये 1985 में जो है नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
स्टार्ट हुआ था। और अगर हम नर्मदा नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी की जो लंबाई है 13-12, और मध्य प्रदेश में जो है वो 177 है, 1077। और मध्य प्रदेश में जो है अमरकंटक से जो है वो ये नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, सोन और नर्मदा। तो ये दोनों ही जो है आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में एमपी राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई थी? तो जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है मध्य प्रदेश में, तो ये दरअसल की गई थी 1975 में। तो ये एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नागाजी के मेले में आयोजन कौन से गांव में होता है? तो नागाजी दरअसल ये पोरसा में होता है, और ये पोरसा जो है ये मुरैना में पड़ता है। ओके, तो मुरैना में ये पड़ता है, मुरैना ज़िले में पोरसा, तो वहाँ पर जो है वो नागाजी मेले का आयोजन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने दिन के लिए लगता है, तो ये करीबन जो है 1 माह के लिए ये लगता है। दरअसल ये मुगल बादशाह के समय के जो संत नागाजी थे, तो उनकी याद में जो है ये लगाया जाता है मुरैना ज़िले के पोरसा में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दरअसल ये उज्जैनी या उज्जैन जो है अभी, तो उज्जैनी बोला जाता था पहले इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में, दरअसल ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो अगर हम अभी की बात करें, तो जो अभी जो मुख्य सचिव हैं या चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश हैं, तो इनका नाम याद रखना है श्री सुधीर रंजन मोहंती। ओके, तो ये आपको याद रखना है, श्री सुधीर रंजन, सुधीर रंजन आप याद रख लेना। तो अभी जो है वो 31वें करीबन जो है 31वें चीफ सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश के, और इनको जो है 1 जनवरी 2019 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? तो निम्न में से बात की जाए तो सहस्त्र बहु मंदिर, जिसे सास बहु मंदिर भी बोला जाता है, तो ये दरअसल जो है वो ग्वालियर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ग्वालियर में एक अभयारण्य है, वो कौन सा अभयारण्य है आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि कौन सा अभयारण्य जो है वो ग्वालियर में है, और काफ़ी पूछा भी जाता है वो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सी नदियाँ एक ही पठार से उत्पन्न होती हैं? तो मैंने अभी ही बताया, तो जो अमरकंटक है, तो अमरकंटक से जो है वो नर्मदा और सोन दोनों ही एक ही जगह से निकलती हैं। बाकी मध्य प्रदेश में कोई ऐसी नदियां नहीं हैं जो एक स्थान से निकलती हों, तो ये दोनों जो हैं वो एक ही स्थान से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शहर पहले नर्मदापुरम कहलाता था? तो पहले जो नर्मदापुरम कहलाता था वो होशंगाबाद कहलाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम इंदौर में नहीं है? तो इंदौर में जो है ये ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम नहीं है। ये हमने पहले भी इसको देख चुके थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम है कहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है, ये दरअसल जो है रीवा में है। ओके, बाकी नेहरू स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, अवेखेल प्रशाल जो है ये सब जो है ना इंदौर में पड़ते हैं, और ठाकुर रणवर सिंह स्टेडियम जो है वो रीवा में पड़ता है। रीवा में जो है सबसे पहले सफ़ेद से जो टाइगर देखे गए थे, बाघ देखे गए, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सीमा राज्य नहीं है? तो आपको पता है कर्नाटक, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये दरअसल उत्तर प्रदेश, अगर मैं मैप की बात करूं, तो यहां से आप देखोगे
ये मैप है। तो इधर जो है वो उत्तर प्रदेश, गुजरात, सॉरी गुजरात, राजस्थान, और इधर जो है वो महाराष्ट्र नीचे पड़ता है, उधर जो पड़ता है वो छत्तीसगढ़ पड़ता है। तो जो पांच राज्यों से जो ये घिरा हुआ है, एक तरीके से लैंड लॉक जो है वो मध्य प्रदेश है। तो इसका आंसर आप आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर्नाटक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और भी क्वेश्चनों के साथ हाजिर होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप जो क्वेश्चन पूछा है मैंने, ग्वालियर में कौन सा अभयारण्य है, तो सुनसान का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।